नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत। मैं टीटू कुमार, जैसा आप जानते ही हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो गन्ने के साथ आप पपीते खेती अच्छी पैदावार कितने डिस्टेंस पे और कैसे ले सकते हैं और कब लगाएं गन्ने के साथ में पपीता, उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मतलब टाइमिंग क्या होनी चाहिए उसकी। हमारे यहाँ कैसे नॉर्थ इंडिया में जो टाइमिंग होती है, अगर आप गन्ने के साथ में पपीता लगाते हो तो अगस्त या अक्टूबर की होती है, अगस्त से लेके आप अक्टूबर तक लगा सकते हो। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर लगाते हैं तो महाराष्ट्र का टेम्परेचर देखो हमारे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी टेम्परेचर आपका 20 या 25 से नीचे नहीं जाता। तो आइए मैं आपको अपना गन्ना दिखाता हूँ, और ये मेरा अक्टूबर का लगा हुआ है, लास्ट का 24 से 25 अक्टूबर के करीब का, और इसमें पपीता भी लगा हुआ है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए किसान भाइयों, हमारा जो गन्ना है वो 7 फुट पे से 8 फुट पे बुआ हुआ है, और ये पपीता आप भी देख भी रहे हैं। पपीते की खेती ये अक्टूबर की है। वैसे पपीता जो ज़्यादा गैप पे होता है, दिशा का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसमें, इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, पर फिर भी फल काफ़ी रुका हुआ है। आप देख भी रहे हैं फल, ये फल देखिए कुछ गिर भी रहा है फल, ये देखिए गिरते तो खैर हैं ही फल, इसमें न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम की कमी आ जाती है तब गिरते हैं ज़्यादातर। देखिए हमारा गन्ने की हाइट, गन्ने की हाइट कम से कम भी ये मानिए, मेरा जो हाथ भी देख रहे हैं आप, ये फुल मैंने हाथ उठा रखा है इसमें, मतलब मेरी जो लंबाई है वो 5.5 के करीब है, और मैंने हाथ उठा के भी 1 से 1.5 फुट चलाया था, तो 1 फुट तो है ही है कम से कम। ये मानिए 6 फुट 6.5 फुट का गन्ना इस टाइम तैयार है। आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छी, मैंने ये पत्ती भी यहाँ से निकाली हुई है, ये देखिए जो, और ये देखिए आप गन्ने की मोटाई देखिए, लंबाई देखिए आप गन्ने की, ये पपीते खड़े हुए हैं हमारे। तो मैंने गन्ने की जो बंधाई करी है तो इसे थोड़ा गैप मिलेगा, इसे ज़्यादा ऐसे हो जाएगा ना, ये देखिए आप कितना गैप हो गया, पहले ऐसे झुके हुए थे तो अब काफ़ी गैप हो गया, और मैंने पत्ते भी हटा दिए साइड के इसके नीचे से हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा गैप मिलेगा, इसको धूप भी मिलेगी और हवा भी लगेगी इसको। तो किसान भाई इसमें टाइम पॉइंट पे देखो, महाराष्ट्र में क्या होता है कि गन्ना बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी पैदावार निकालते हैं गन्ने की, वो ये कहते हैं कि गन्ना हमारा मेहमान है, हम इसको खाली पानी नहीं देते, मतलब क्या समझ रहे हैं कि पानी के साथ कुछ ना कुछ देते हैं हर पानी के साथ। तो मैंने भी यही शेड्यूल थोड़ा अपनाया है, हम कर कंटिन्यू नहीं दे पाया हूँ मैं भी, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता है। तो यह है कि 15 से 20 दिन में मेरे दूसरे या तीसरे पानी पे मैं फिर भी डोज दिया है, तो पैदावार मतलब काफ़ी अच्छी है। अब इसकी तुलना जो हमारी नॉर्मल पेडी होती है उसके साथ में कर सकते हो। गन्ने की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, और गन्नों की क्वांटिटी भी आप देख रहे हैं एक मेड़े में, ये हमारा एक मेड़ा है कम से कम भी, ये देखिए गन्ने की जो क्वांटिटी है, और इसमें कीड़ा आया था, ये जो देखिए ये वाला टॉप बॉयलर आया हुआ था, ये आता ही है गन्ने में, इस बार बहुत ज़्यादा आया हमारे यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, देखिए ये देखिए जी, अभी तक भी गन्ने में मतलब इतने रोग हैं काफ़ी, गन्ना जो गन्ना स्वस्थ चला है वो ही सही चला है, नहीं तो गन्ने में इतना रोग है, नहीं तो गन्ना ये काफ़ी अच्छा होता जैसे मैंने इसमें डोज दिए टाइम टाइम पर। और तो जो महाराष्ट्र में गन्ने की खेती बताते हैं, जैसे भी मैंने सुना है, हमारे कुछ गुरु मित्र हैं तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो गन्ने की खेती है वो काफ़ी अच्छी ली जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बताते हैं कि 1 एकड़ में कम से कम भी 1500 क्विंटल गन्ना, 1 एकड़ में 1500 क्विंटल गन्ना वो निकालते हैं, पर वो ईख अगस्त में बोते हैं और 5x2 पर ईख बोते हैं, मतलब जो खूड़ से खूड़ की दूरी 5 फुट और मैं पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट रखते हैं, तो उनका मेड़ा जो होता है कम से कम भी इतना बड़ा हो जाता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि उसमें कम से कम 4 पुली बनेंगी हमारे यहाँ की। देखिए हमारे इसमें भी यहाँ पर गन्ना देखिए,
काफ़ी मतलब अच्छी क्वांटिटी है गन्ने की और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। अभी मैंने इसमें खाली माइक्रो न्यूट्रेंट 2 बार दे चुका हूँ। बोरोकोल के नाम से आता है एक, रनाडे का, और एक मैंने अब इसमें 1 कट्टा रामबान का दिया है और 1 कट्टा यूरिया का दिया है, वो भी कम से कम 3 से 4 पार्ट में। 1 कट्टा पोटास का दिया है 3 से 4 बार में। और मैंने इस पर 2 स्प्रे करी है जो कीड़े की स्प्रे होती हैं, जैसे आपका कोरोजन तो नहीं करी है, कोरोजन से दूसरी चीज़ आती है, कोरोजन थोड़ी महंगी पड़ती है इसलिए मैंने दूसरी करी है, तो उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। पर फिर भी रोग अभी काफ़ी, अब तो खैर हट गया है रोग क्योंकि बरसात स्टार्ट हो गई है हमारी, तो आप सारा ही देख सकते हैं गन्ना हमारा। कुछ पपीते हमारे छोटे भी रह गए हैं, देखिए जैसे ये छोटा पपीता है, ये देखिए गन्ना, अभी कुछ गन्ना हमारा बंधने के लिए रह भी रहा है, बंधाई चल रही है हमारे गन्ने की। मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जो टाइम टाइम पे आप खुराक देते हो इन चीज़ों का, ये देखिए आप। तो गन्ना बिल्कुल ये मानिए जी फंसा हुआ है, मतलब ग्रोथ जो है मेड़ों में जो कल्ले हैं, कल्लों की क्वांटिटी काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और गन्ने की मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। तो किसान भाइयों, अगर गन्ने से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप उसे, तो कम से कम भी जब से मैंने बंधाई शुरू की थी ये गन्ना यहाँ पे था आपका और गन्ना भी यहाँ पहुँच चुका है, तो इसमें अब इस टाइम बंधने के बाद आप इसमें पोटेशियम सोनाइट या पोटाश की मात्रा ज़रूर दें, क्योंकि इससे ये होता है कि जो गन्ने की ग्रोथ है, मोटाई है, बंधने के बाद रुक जाती है थोड़ी मोटाई, तो उससे रुकेगी नहीं आपकी अगर पोटाश होती है। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा गन्ना, और इसको टाइमिंग भी आप देख रहे हैं कि मतलब अक्टूबर के लास्ट का है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है बंधने के बाद, ये देखिए सीधा भी हो गया है और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये देखिए अगर गन्नों की मेड़े में क्वांटिटी देखी जाए तो ये देखिए 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इसमें बांध दिया था मैंने, 9 है, एक ही मेड़ा है, तो काफ़ी अच्छी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, अगर कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हो। टेक्निकल खेती 2 पर, ये मेरा चैनल टेक्निकल खेती 2 है, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें कि जिससे कि आगे आने वाले किसान हमारे से नॉलेज ले सकें, क्योंकि देखो अगर आप गैप से ही गन्ना बोते हो तो पैदावार तो उतनी निकलती है। अब गन्ने की मोटाई देखिए, बाजू बाजू गन्ना मतलब एक जो डायमीटर है उसका कम से कम भी 1 इंच से ज़्यादा है। अब देखो मेरी उंगली कहाँ दिखाई दे रही है, देखिए अगर मैं इसको छुपा दूँ तो कम से कम 2 मेरे जो गांठें हैं वो बिल्कुल दबी हुई हैं आपके इसमें, देख रहे हैं ये देखिए सामने से, तो कम से कम इतनी इतना जो है गन्ने की मोटाई है, आपको हम 1.5 इंच तो मान ही सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद जय भारत।